गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यह चैप्टर बोर्ड के एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे अगर हम जेई के एग्जामिनेशन के बारे में बात करें या नीट एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, यह सभी एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को के कंसेप्ट को एक काफ़ी ये बिल्ड करता है, काफ़ी मजबूत करता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो इसी अगर आप चाहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ये केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अगर कहीं से ऐड होता है तो वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहाँ पर अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो आपका आंसर क्या होगा ना, बहुत जल्द होगा। नहीं अगर आंसर मालूम तो आप लाख कोशिश भी करते रहिए, लाख सोचते भी रह जाइए, आप सही आंसर अप्रोप्रिएट आंसर आप दे ही नहीं पाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो रैंकर बूस्टर के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आप लोग उसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे सेशन तक आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझें। जिस पहला चैप्टर है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो इसी को हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। देखिए सर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के में आता है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल इज डिफाइंड एज अ टेबल विच क्लासिफाई ऑल द एलिमेंट्स इन सच ए वे दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, क्या कहा गया, सिमिलर प्रॉपर्टीज को रखा गया, आर ग्रुप टुगेदर। किस क्या किया गया? ग्रुप टुगेदर किया गया। कहाँ? लाइन को यहाँ से यहाँ देखिए, सेम वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम का मतलब होता है ये आपका वर्टिकल कॉलम है, टोटल वर्टिकल कॉलम है। अगर आपको पीरियड टेबल चेक करना हो कि टोटल वर्टिकल कॉलम कितने हैं तो आप याद कर लें बेटा, टोटल वर्टिकल कॉलम कितना है इज इक्वल टू 18। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट कहाँ रहते हैं? तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट सेम वर्टिकल कॉलम में रहते हैं, और सेम वर्टिकल कॉलम को ही बोला जाता है, सेम वर्टिकल कॉलम को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, ग्रुप कहते हैं। सेम वर्टिकल कॉलम को ही ग्रुप कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि एलिमेंट को रखा गया है वर्टिकल कॉलम में, और सेम वर्टिकल कॉलम के को क्या कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है। और अगर कोई एलिमेंट्स अगर ग्रुप में होते हैं तो उनका क्या सेम होता है, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज यानी सिमिलर प्रॉपर्टीज कहने का मतलब कि उनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, बिल्कुल ही सिमिलर होता है। क्लियर है? तो इसी तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। और एलिमेंट्स को अरेंज क्यों करना पड़ा? जैसे जैसे एलिमेंट का डिस्कवर होते गया तो साइंटिस्टों को अब फील हुआ कि नहीं, अब ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, तो अब इन एलिमेंट्स के बारे में अगर हमें स्टडी करना हो तो एलिमेंट्स को अरेंज प्रॉपरली वे में और सही ढंग से सिस्टमेटिक वे में एलिमेंट्स को अरेंज करना होगा। अगर एलिमेंट्स अगर अरेंज रहेंगे तो एलिमेंट की स्टडी करना आसान होगा। जैसे देखो, एक मिनट सपोज करो कि अगर आपके पास लिथियम है, और लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 2-1 होता है, और सोडियम का होता है 2-8-1 होता है, तो दोनों के पास बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे कि दोनों के पास अगर बाहर में सेम इलेक्ट्रॉन है, डेट इज़ कॉल्ड सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कहेंगे कि दोनों का जो ग्रुप नंबर होगा वो सेम होगा। यानी ग्रुप देखने के लिए हमें क्या देखना होगा, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर देखेंगे, आगे पढ़ेंगे भी। तो कहने का मतलब, अब दोनों एलिमेंट अगर एक ही ग्रुप में हैं तो एलिमेंट का स्टडी करना आसान हो गया। यानी लिथियम का बहुत सारा प्रॉपर्टीज किससे मैच करेगा, सोडियम से, और अगर हम सोडियम के नीचे अगर पोटासियम को रख दें तो पोटासियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 2-8-8-1 होता है, यहाँ भी 1 आया। तो कहने का मतलब क्या है कि पोटासियम का भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज बाकी दोनों से भी मैच करेगा, किससे, लिथियम और सोडियम से। तो इस तरह से एलिमेंट का स्टडी करना क्या हो गया, आसान हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से एलिमेंट की स्टडी कर सकते हैं। और कैसे क्या करेंगे वो आप समझ रहे हैं कि एलिमेंट को कैसे रखा गया है, सिमिलर प्रॉपर्टीज में रखा गया है, क्या देखेंगे, वर्टिकल कॉलम सेम होता है, और अगर कोई एलिमेंट अगर डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते, देखिए क्या है, पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल।
बेटा अगर एलिमेंट का अगर हमें पोजीशन तय करना हो, यानी एलिमेंट का पोजीशन के लिए क्या करेंगे, देखिए इधर ठीक है, देखो इधर अगर हमें कोई एलिमेंट का पोजीशन तय करना हो, यानी पोजीशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो एलिमेंट का पोजीशन तय करने के लिए तीन चीज देखते हैं हम लोग, क्या देखेंगे, पहला नंबर देंगे पीरियड, यानी एलिमेंट कौन से पीरियड में है, और दूसरा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, ठीक है, या फिर कहिए तो तीसरा एलिमेंट का अपना कौन से ब्लॉक में है, ठीक है, ये तीन चीज पता करते हैं, ठीक है, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। तो पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप के हेल्प से आप क्या पता करेंगे, एलिमेंट का पोजीशन। तो एलिमेंट का पोजीशन जानने के लिए तीन चीज देखेंगे, पी, बी और जी, पी बी जी, यानी पब जी, याद रखेंगे, अगर पबजी मालूम हो गया, यानी पीबीजी मालूम हो गया, तो आप एलिमेंट का पोजीशन पता कर लेंगे, ठीक है। तो इसी पबजी को समझते हैं कि आखिर पबजी कैसे पता करेंगे। पहला है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस सेल कॉरेस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े होंगे, पीरियड टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है आप लोगों को, या पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं बेटा सेल को, क्या लिखा हुआ, देखो इधर लिखा हुआ भी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस सेल, यहां पे आपको पकड़ा गया, क्या कह रहा है, वैलेंस सेल कॉरेस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का वैलेंस सेल अगर आप देख लिया तो आपको क्या पता चल जाएगा, पीरियड नंबर पता चल जाएगा। सपोज करो जैसे फास्फोरस एलिमेंट है बेटा, अगर फास्फोरस एलिमेंट है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। अब बोलो यहाँ पे वैलेंस सेल कित कौन है, तो वैलेंस सेल है बेटा 3। वैलेंस सेल क्या है, 3। अगर वैलेंस सेल 3 है तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर हो जाएगा 3। तो वैलेंस सेल की हेल्प से हम पता करते हैं उसका पीरियड नंबर, क्या बोला हमने, वैलेंस सेल देखेंगे, और वैलेंस सेल के बारे में कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एंथ सेल, इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा सेल कहेंगे बेटा, एंथ सेल, एन माने सबसे लास्ट वाला सेल दिखता हूँ, उसी को बोलेंगे एंथ सेल, ठीक है। चलो, द ऑर्बिटल कंटेनिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंडिकेट्स द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। चलो फिर से कह रहा है कि द ऑर्बिटल कंटेनिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कौन से ऑर्बिटल, आपके पास ऑर्बिटल कौन कौन है बेटा, ऑर्बिटल यानी सबसेल, यहाँ पे कौन कौन है, चार ही सबसेल होते हैं, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सबसेल कौन कौन है, तो एस, पी, डी एंड एफ, ये चार सबसेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी अगर सपोज करो क्या लिखा हुआ, पहले वर्ड को पढ़ो, द ऑर्बिटल कंटेनिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंडिकेट्स द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। तो ऑर्बिटल कंटेनिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी एस सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो डैट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट, पी सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, डी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर इंटर कर रहा है तो उसको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा दैट इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ऑर्बिटल कंटेनिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंडिकेट द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। जैसे देखो यहाँ पे फास्फोरस के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसे ऑर्बिटल में गया बेटा, पी, तो बोलेंगे इसका ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक है। तो दो टर्म समझ में आए आप लोगों को, चलिए आगे एक और एग्जाम्पल लेते हो, जिंक, जिंक
जिंक का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 30। कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। बहुत सारे बच्चे को इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, कन्फ्यूजन क्या होता है वैलेंस सेल को पहचानने में। बच्चे को हमेशा लगता है कि वैलेंस सेल यहाँ पे 3 है, लेकिन वैलेंस सेल क्या है बेटा, यहाँ पे 4 है। देखो यहाँ पे समझो कि फिर से मैं इसी कारण मैंने एग्जांपल को यहाँ पे दिया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस सेल कोरस्पॉन्ड टू द, तो एन सेल, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया बेटा, ये थर्ड सेल हो गया और ये भी थर्ड सेल है। ये जो हमारा 4 है, मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये हमारा कौन सा सेल है बेटा, तो ये हमारा एन सेल, ये हमारा कौन सा सेल है, एंथ सेल है, यही हमारा एन सेल है। अगर हमें एन सेल पता चल गया तो एन सेल बताता है पीरियड नंबर को। एन सेल क्या बताता है, पीरियड नंबर को। तो पीरियड नंबर हमारा क्या होगा बेटा, बोलो जल्दी से, पीरियड नंबर होगा 4, ठीक है। तो पीरियड नंबर चेक करना हो तो क्या देखेंगे, एन सेल, एन सेल यानी सबसे बड़ा सेल, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला था, द ऑर्बिटल कंटेन्स इन द लास्ट इलेक्ट्रॉन ब्लॉक। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तो यहाँ देखो, ये देखो, काउंट करो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए हमारे साथ, 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18, 2, 20। अभी आपने 20 ही इलेक्ट्रॉन भरा है, इलेक्ट्रॉन तो 30 है, तो बाकी का जो 10 इलेक्ट्रॉन भैया गया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 10वां इलेक्ट्रॉन है, जो 30th इलेक्ट्रॉन है, 30वां इलेक्ट्रॉन कहिए, वो 30वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो 30वां इलेक्ट्रॉन गया बेटा डी सबसेल में। तो ब्लॉक ब्लॉक बोलेंगे डी ब्लॉक। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि पीरियड और ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं। पीरियड नंबर देखने के लिए वैलेंस सेल को देखेंगे, और वैलेंस सेल अगर नहीं समझ में आए तो आप सेल देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो संख्या सबसे बड़ा दिखे उसको बोल देना एन सेल। एन सेल का मतलब हो गया लार्जेस्ट या मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। अगर एन का मैक्सिमम वैल्यू अगर पता चलता है तो वही हमारा एन सेल है, और वही एन सेल हमारा पीरियड नंबर है, ठीक है। इतना बात सबको समझ में आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट, द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज प्रिडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल और पेनल्टीमेट सेल एज फॉलो। बिल्कुल सही, ग्रुप नंबर जो है, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल पे डिपेंड करता हो, या उसके पेनल्टीमेट सेल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। या फिर यू कहिए तो ग्रुप नंबर डिपेंड करता है ब्लॉक पर, अगर ग्रुप नंबर निकालना हो तो हमें ब्लॉक चेक करना होता है। इसी कारण आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट ही किया गया है किस फॉर्म में, ब्लॉक फॉर्म में, क्या लिखा हुआ है, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर जो है वो डिपेंड करेगा किस पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। मैं सही बच्चे ध्यान से सुनना अच्छे से, अगर बेटा एस ब्लॉक है, कोई एलिमेंट अगर एस ब्लॉक का है, तो मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, आप ध्यान से नोट कर लेंगे। अगर नोबल गैस तो रहेगा ही रहेगा बेटा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर NS1 है, या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, चेक करना कि अगर कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, NS1 है, तो उसका ग्रुप क्या बोल देना, 1, और अगर NS2 है तो ग्रुप 2। लेकिन ध्यान रहे, उसके पहले कोई नोबल गैस आना चाहिए, ये बात को भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चे लोगों को इसमें बहुत अच्छी डाउट बनती है, बोलते बोलते सर हीलियम कौन सा ग्रुप में होगा, सर हीलियम तो ग्रुप 2 में होगा सर, क्योंकि हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना सर, हीलियम, सॉरी एक मिनट, टू डेट इज़ 1s2। तो बच्चे बोलते हैं सर तो ये हीलियम है,
1s2 में है, आपने कहा ns2, अगर ns2 में है तो ये ग्रुप 2 में है, तो मैं बच्चे को फिर से पीछे बैक तरफ दिखाता हूँ उन्हें कि बेटा हमने ns2 तो कहा है, हमने ns2 तो कहा है, लेकिन उसके पहले भी कोई है, क्या है? नोबल गैस। और हीलियम बेटा खुद एक नोबल गैस है, और नोबल गैस का ग्रुप नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? 18। याद रखें, नोबल गैस का ग्रुप नंबर क्या होता है? 18। तो हीलियम को कंसिडर हमें नहीं करेंगे कहाँ? ग्रुप टू में। हीलियम को कंसिडर नहीं करेंगे कहाँ? ग्रुप टू में, क्योंकि हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन में कोई पहले कोई नोबल गैस दिख भी नहीं रहा है, पहली बात है। और दूसरी बात है कि हम जानते हैं कि हीलियम क्या है, एक नोबल गैस एलिमेंट है भाई। अगर रूल के हिसाब से लेंगे तो उसके पहले कोई नोबल गैस आ नहीं रहा है, तो डेट्स वाई कि वो हमारा ग्रुप टू का एलिमेंट है ही नहीं। और दूसरा कि हम जानते ही हैं कि हीलियम कैसा एलिमेंट है, नोबल गैस है, तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा? 18। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एस ब्लॉक के लिए दो चीज़ें ध्यान रखना बेटा, अगर कॉन्फ़िगरेशन एनएस वन है तो ग्रुप नंबर वन होगा, और एनएस टू है तो ग्रुप टू होगा। चलो इस पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इधर, अगर हमें पोटासियम का निकालना हो ग्रुप नंबर, अब पोटासियम का निकालना हो तो पोटासियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने का दो तरीका हो, एक तो आप अगर एस पी डी एफ लिखते हैं, वन एस टू एस भी लिख सकते हैं, इसी कॉन्फ़िगरेशन को एस पी डी एफ को ही थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं, नोबल गैस के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो नोबल गैस के टर्म में लिखने के लिए आपको नोबल गैस तो याद जरूर रखना पड़ेगा। जैसे देखो बेटा, यहाँ पे उन्नीस से पहले कौन सा नोबल गैस आता है? आर्गन। तो मैंने आर्गन लिख दिया, अब क्योंकि आर्गन के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ पे 4s1 आ गया। कॉन्फ़िगरेशन क्या बना बेटा? आर्गन 4s1। सब बच्चे हमें बता सकते हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर क्या होगा बेटा, क्योंकि ये 4s1 जो है वो मैच किससे कर रहा है? ns1 से कर रहा है। अगर ये ns1 से मैच कर रहा है तो इसका ग्रुप क्या होगा बेटा? 1। नेक्स्ट एग्जांपल, कैल्शियम 20 है, आर्गन और 4s2। ये 4s2 को अगर हम लिंक्ड करो तो ये ns2 से मैच कर रहा है। अगर ये ns2 से मैच कर रहा है तो इसका ग्रुप क्या होगा बेटा? 2। तो कॉन्फ़िगरेशन देखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के हम चेक कर सकते हैं कि अगर कॉन्फ़िगरेशन ns1 से है तो उसको हम लोग ग्रुप 1 बोलेंगे, और ns2 से है तो उसको ग्रुप 2 बोलेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि ns1 वाले कॉन्फ़िगरेशन को कौन सा मेटल कहते हैं बेटा? अल्कली मेटल कहते हैं। कौन सा मेटल कहते हैं? अल्कली मेटल कहते हैं। और ns2 वाले को क्या बोलते हैं बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो दो चीज़ ध्यान रखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन वाइज अगर आपको लिख रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन को पहले अच्छे से लिखना है, और उसके बाद आपको चेक करना है कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मेरा किस तरह का है। पहले तो पहचानना है कि वो एस ब्लॉक है या नहीं है। तो देखो दोनों के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एस में, यानी वो एस ब्लॉक का है। अगर एस ब्लॉक का है तो कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, ns1 या ns2 है। क्या लिखा हुआ है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर के लिए क्या करेंगे? 10+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। चलो एक बात यहां से सुनो अच्छे से, पी ब्लॉक के एलिमेंट का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कैसा होता है वो देख लो। पी ब्लॉक के एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहता है वो देखो बेटा अच्छे से। एस में 2 इलेक्ट्रॉन एकदम फिक्स है, पी के सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेके 6 तक रहती है। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा? पूछा गया कि पी ब्लॉक के वैलेंस सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एस में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है, और पी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रहता है बेटा? 1 to 6 रहते हैं। अब इसका ग्रुप नंबर निकल सकता है या नहीं निकल सकता है? बिल्कुल निकलेगा ग्रुप नंबर। जैसे हमने कहा कि क्लोरीन का ग्रुप नंबर निकालना है, क्लोरीन कौन से ग्रुप में है हमको नहीं पता, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है देखो, ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ बेटा?
ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ देखो उधर, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करो वैलेंस सेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करो वैलेंस सेल में, एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। एस में कित, हाँ पहले तो वैलेंस सेल भी तुम लोगों को पता है कि नहीं ये भी देख लो, वैलेंस सेल का मतलब जस्ट पढ़ाया है कि वैलेंस सेल किसको बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन यानी एन सेल। देखो यहाँ पे 1, 2 और 3 ये हमारा हो गया वैलेंस सेल। अब चेक करो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यहाँ कितने, 5, तो 2 प्लस 5 ग्रुप नंबर कितना आया बेटा, 17। ग्रुप नंबर कितना आएगा, 17। अब सुनो अच्छे से, ग्रुप नंबर 17 को हम बोलेंगे, याद रख लेना बेटा आगे पढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 17 को कौन सा फैमिली कहेंगे, हैलोजन फैमिली कहेंगे। ग्रुप नंबर 17 को कौन सा फैमिली कहेंगे, हैलोजन फैमिली। इसी तरह से अगर हमको सल्फर का दिया रहे कि सल्फर का ग्रुप नंबर बताइए, क्या बोलेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ये दिया हुआ है ग्रुप नंबर। अब बताइए बेटा 10 तो रहेगा ही रहेगा, सब में कॉमन 10 ऐड करना है। दूसरा चेक करो वैलेंस सेल यहाँ पे क्या है बेटा, 3। वैलेंस सेल यहाँ पे क्या है, 3 दोनों जगह है, यहाँ एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यहाँ पी में कितने, 4, 2 प्लस 4 कितना हो गया, 16। ग्रुप नंबर 16 को कौन सा फैमिली कहते हैं, चालकोजेन, क्या बोलते हैं, चालकोजेन। हैलोजन जैसे इसको बोलते हैं ग्रुप 17 को, उसी तरह से ग्रुप 16 को क्या बोलेंगे, चालकोजेन। 17 को हैलोजन क्यों कहते हैं आगे पढ़ेंगे, इससे नमक वगैरह बनाया जाता है, इसी कारण से हैलो यानी सी साल्ट, जेन यानी बनाने वाले को बोलते हैं, चालको यानी ओर, जेन बने होता है जिससे बनता हो, तो इसी कारण उसको चालकोजेन कहते हैं, जैसे ओर का फॉर्मेशन होता हो, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, याद रखना है सब चीज, इसको क्या बोलेंगे, चालकोजेन, क्या बोलेंगे, चालकोजेन, ठीक है। क्या बोलेंगे, चालकोजेन, चालकोजेन, ठीक है। तो दो चीज समझ के, ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, ग्रुप नंबर निकालते हैं पी ब्लॉक का कैसे निकालेंगे बेटा, 10 प्लस वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 तो यहाँ पे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5, तो ग्रुप नंबर हो जाएगा 10 प्लस 5 15। तो 15 को कौन सा फैमिली कहते हैं, निकोजेन, क्या बोलते हैं, निकोजेन कहते हैं। तो 2-3 टर्म आपको याद रखने वाला बात हमने बताया, 17 के लिए हैलोजन फैमिली, 16 के लिए चालकोजेन, और 15 के लिए निकोजेन फैमिली बोलते हैं, ये आपको रिमेम्बर करना होगा। चलो अब मैं इरेज कर रहा हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट द ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रुप नंबर इज इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन माइनस वन डी सब सेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, ब्रैकेट लिखा हुआ है एन सेल, ठीक है, कोई दिखे किसी को। तो दो चीज से कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम कोई भी ग्रुप डी ब्लॉक का कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 सब बच्चे बता सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्यों डी ब्लॉक का है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी सबसेल में जा रहा है, तो ये हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर निकालेंगे, तो ग्रुप नंबर निकालेंगे कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्या लिखा हुआ, फॉर्मूला पढ़ो फिर से, डी ब्लॉक के लिए अगर हमें ग्रुप नंबर निकालना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन डी सब सेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। आप बोलो जल्दी से, कौन बच्चे बताएंगे वैलेंस सेल इसमें कौन है, वैलेंस सेल कौन है बेटा, वैलेंस सेल यहाँ पे 4 है, 4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 लिख दो, और क्या कर रहा है, एन माइनस वन डी, इससे इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, एन माइनस वन का है, तो n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3।
तो बोलेंगे स्कैंडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप थ्री का एलिमेंट है। स्कैंडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप थ्री का एलिमेंट है। ये सबको समझ में आया। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आयरन 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो फिर वही चेक करो, वैलेंस सेल यानी वैलेंस सेल के ब्रैकेट में से ns कर दो, ns, ठीक है। ns में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, दो, और d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, दो 6 कितने हो गए, 8। तो ग्रुप नंबर कितना हो गया, 8। आया समझ में, ठीक है। तो इसी का तरीका है, इसी तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स द ग्रुप नंबर इज ऑल, देखो यहाँ पे तो आपको अभी तक तो आप बनाते आ रहे थे, और यहाँ पे तो आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एफ ब्लॉक में ग्रुप नंबर क्या होता है बेटा, 3 होता है या फिर 3B होता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने वाला बात ये है कि एफ ब्लॉक में एलिमेंट कहाँ से कहाँ रहना होगा। तो 58 से 71, ये पहला आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, और 90 से लेकर 103 तक। देखो यहाँ पे तो 58 से 71 को बोलते हैं बेटा, आगे पढ़ेंगे, इसको कहते हैं लेंथेनाइड्स। और 90 से 103 को क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड्स। क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड्स। तो ये चीज को ध्यान में रखना होगा कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दो तरह का पार्ट होता है, दो बॉटम में दो हॉरिजेंटल रो है, एक हॉरिजेंटल रो को लेंथेनाइड्स कहा जाता है, दूसरे हॉरिजेंटल रो को एक्टिनाइड्स कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है, ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलेंगे आपको कौन से ब्लॉक में बेटा, एफ ब्लॉक में मिलेंगे। कहाँ से कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, एफ ब्लॉक में। जब आप एफ ब्लॉक में जाएंगे तो आपको हॉरिजेंटल लाइन दिखेगा, कितने हॉरिजेंटल लाइन दिखेंगे, दो हॉरिजेंटल लाइन दिखेंगे, पहला नंबर लेंथेनाइड्स, दूसरा एक्टिनाइड्स। अगर पूछा कि लेंथेनाइड में एलिमेंट कहाँ से कहाँ होंगे, तो 58 से 71 तक होंगे, और एक्टिनाइड्स में एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होंगे, 90 से 103 तक होंगे, ठीक है। तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का ग्रुप नंबर क्या होगा, तो बोलेगा जितने ये जो एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक के हैं, और एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या होता है, 3 या फिर 3B। मेरे ख्याल से जितने बच्चे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि 98 से लेकर 103 तक का ग्रुप नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 3 या 3B होगा। चलिए तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स पहचानने आ गया होगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह है, उनको हम लोग देखते हैं। देखो लिखा हुआ है, प्रीडिक्ट द पीरियड ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया गया अभी आपके सामने, ठीक है। एटोमी नंबर 8, अगर कोई जेड है, जेड जिसका एटोमी नंबर कितना बेटा, 8 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को मैं लिखने जा रहा हूँ आपके सामने, 1s2 2s2 2p4। अब एक एक लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। पीरियड नंबर चेक करना है सबसे पहले, तो पीरियड नंबर चेक करने के लिए हमें देखना होगा वैलेंस सेल, यानी आपको देखना होगा सबसे बड़ा एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू मैक्सिमम कितना है बेटा, 2, तो पीरियड नंबर हो गया 2। दूसरा आएगा ब्लॉक, ब्लॉक देखने के लिए देखा होगा आपको लास्ट सबसेल, तो लास्ट सबसेल हमारा पी है, तो हमारा ब्लॉक हो गया पी। अगर अब हमको देखना होगा ग्रुप नंबर, तो अगर एलिमेंट्स पी ब्लॉक का है, तो ग्रुप नंबर के लिए फार्मूला मैं बगल में ही लिख देता हूँ आपको, 10 प्लस
एन एस टू एन सिक्स, तो टेन तो लगा दो बेटा, दो भी लगा दो, और पी में इलेक्ट्रॉन कितना है, चार, तो चार लगा दो, आंसर आएगा 16. आंसर क्या आएगा, 16. तो ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है, 16 में है. ऑक्सीजन का पीरियड नंबर क्या है बेटा, 2. और ऑक्सीजन कौन से ब्लॉक में पाए जाएंगे, पी ब्लॉक में पाए जाएंगे. कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं. एटॉमिक नंबर क्या लिखा हुआ है, 11. कोई बी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, ए, 11 है. ठीक है, अब हम पेन चेंज कर देते हैं. देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 281 से तो काम मेरा चलने वाला नहीं है. देखो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1. अब परेशानी ज़्यादा नहीं होगी. पीरियड नंबर क्या है बेटा, सबसे बड़ा वैलेंस सेल क्या है यहाँ पे, 3 है, तो पीरियड नंबर हो गया 3. ब्लॉक क्या होगा, तो ब्लॉक होगा यहाँ पे एस ब्लॉक. अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेक कर लो, ग्रुप हो गया 1. कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक दोनों एग्जांपल समझ में आया? अब क्या आपके पास तीसरा एलिमेंट क्या है बेटा, सी. सी, सी का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, 28. आर्गन 4s2 20, अच्छे या 20 8 28 होगी ना, हाँ ठीक है. अब देखो यहाँ पे पीरियड नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर क्या होगा बेटा, 4. ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डी में. लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में, तो ब्लॉक होगा डी. और ग्रुप नंबर निकालने का तरीका क्या था, ग्रुप नंबर निकालने का तरीका क्या था बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ, याद कीजिए फिर से. क्या लिखा हुआ था, एन एस प्लस एन माइनस 1d इलेक्ट्रॉन. अब चेक करो यहाँ पे, यहाँ देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2, और d में कितने, 8. तो 2 प्लस 8 कितने हो गए, 10. क्या तीनों एग्जांपल समझ में आया? s ब्लॉक का है, d ब्लॉक का एलिमेंट है, और अब दिया हुआ है 54. तो चेक करो बेटा 54 के बारे में सोचो, कहाँ गया इरेजर, कोई कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से. 54 के बारे में सोचो बेटा जल्दी से. 54 क्या है, डी इक्वल टू 54. 54 से पहले नोबल गैस कौन आएगा, 36. तो 36 किसका होता है, क्रिप्टन का होता है. नहीं अगर लिखना है तो इसको ऐसे कर देता हूँ, 1s2 से ही लिखता हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. काउंट करो इलेक्ट्रॉन, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 36. 4p6 हो गया. 5s2 और 4d10 कितना हो गया, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 6, 18, 20, 10, 30, 36, 38, 38, 10, 48. अब 5p कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे कि ये 54 होगा, तो 48 में 6 जोड़ेंगे, 48 में 6 जोड़ेंगे ना, तो ना 54 होगा. तो अब देखो यहाँ पे समझना अच्छे से, बीच में 4d आ जाए हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. सबसे पहले प्राइमरी काम बेटा क्या है, वैलेंस सेल पहचान लो. वैलेंस सेल कितना है बोलो जल्दी से, वैलेंस सेल क्या है यहाँ पे, 5. क्या 5 एक जगह या दो जगह है, हाँ दो जगह है. पीरियड नंबर हो गया 5. काम आसानी से हो गया. ब्लॉक देखो बेटा, ब्लॉक क्या है, ब्लॉक क्या बोले थे कि जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाए, जिस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करे वही हमारा ब्लॉक है. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा पी में इंटर कर रहा है, दैट इज पी ब्लॉक. उसके बाद हमें ग्रुप निकालना है, तो पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर तो पता ही है, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर तो पता ही है कि 10 में जोड़ना है एस का इलेक्ट्रॉन,
तो एस का इलेक्ट्रॉन दो और पी का इलेक्ट्रॉन छः, क्योंकि यहाँ पे एन एस टू एन पी वन टू सिक्स जो करते हैं। तो इस तरह से ग्रुप नंबर आया 18। और ग्रुप नंबर 18 किसका होता है? नोबल गैस का होता है। तो ये पूरा एग्जाम्पल भी मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, इससे आपकी भी कुछ प्रैक्टिस बन गई होगी और आप इसको और अच्छे से घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे, एक एक को स्टेप से प्रैक्टिस करेंगे, कैसे पीरियड नंबर निकाला जाता है, कैसे ब्लॉक निकाला जाता है, कैसे ग्रुप नंबर निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है। चलो कुछ और क्वेश्चन है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या लिखा हुआ, द एलिमेंट्स जेड 117 120 हैव डिस्कवर इन विच फैमिली ग्रुप नंबर वुड नॉट बी प्लेस्ड, दिस एलिमेंट्स नॉट ऑल्सो गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन ईच केस डिस्कवर्ड इन विच फैमिली वुड नॉट बी नॉट प्लेस। उस क्वेश्चन को रहने देते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है जेड बराबर 114। क्या लिखा हुआ है? जेड बराबर 114। अगर एलिमेंट दिया हुआ है तो इससे आपको क्या पहचानना है? फैमिली ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको फैमिली पहचानने के लिए दिया जा रहा है, ग्रुप नंबर पहचानने के लिए दिया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग जो सीखे हैं उस पर पहले अप्लाई करते हैं, उससे वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एलिमेंट आपको दिया हुआ है कितना, एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ बेटा? जेड इक्वल टू कितना है? 114। सुनो अच्छे से, सब बच्चे सुनेंगे अच्छे से जो बात, तो बिल्कुल सेंसरली से वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं वो बच्चे सुनेंगे। अगर एटॉमिक नंबर की संख्या 100 से ऊपर चला जाए और ख़ास तौर पे 103 से ऊपर चला जाए, 103 तक ही ऊपर चला जाए, यानी कंसेप्ट क्या कर रहा हूँ मैं, कंसेप्ट है यहाँ पर जेड अगर अबव हो कहाँ से, 103 से। ठीक है, तो ग्रुप नंबर जो निकालते हैं, ग्रुप नंबर जो निकलेगा इज इक्वल टू लास्ट टू डिजिट। क्या बोला बेटा? अगर एटॉमिक नंबर की संख्या 103 से ज़्यादा हो तो ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? सिर्फ दो डिजिट को देखकर, कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, बिना कॉन्फ़िगरेशन लिखे भी आप ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। दूसरा चीज, हमें पीरियड नंबर निकालना होगा तो इसका पीरियड नंबर ऑलवेज आएगा बेटा 7th। जो एलिमेंट्स की ग्रुप नंबर एटॉमिक नंबर क्या हो, 103 से ऊपर हो, उसका पीरियड नंबर क्या होगा बेटा? 7th होगा। चलो दो क्लू मिला हमें। अब आपके पास पूछ रहा है क्या, जेड इक्वल टू 114, तो यहाँ पे लास्ट टू डिजिट क्या है बेटा? 14। तो इसका ग्रुप नंबर क्या आएगा बेटा? 14। और पीरियड नंबर आएगा 7th। अब चलो चेक करते हैं यहाँ पर फैमिली ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो यहाँ पे आपको हिंट के तौर पे पहले देखो, 7th पीरियड सब दिख रहा है, ये भी 7th पीरियड में, ये 7th पीरियड, 7th पीरियड, 7th पीरियड। अब देखो सुनो अच्छे से, ग्रुप 14 के बारे में एक चीज़ ध्यान रखो कि ग्रुप 14 वाले एलिमेंट को कौन सा फैमिली कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने दो तीन एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे 15 वाले को क्या बोलते हैं बेटा, 15 वाले को क्या बोलते हैं? निकोजन फैमिली। 16 वाले को कहते हैं चालकोजन फैमिली। ग्रुप 17 वाले को बोलते हैं हैलोजन फैमिली। इसी तरह से ठीक ग्रुप 14 वाले को क्या कहेंगे? कार्बन फैमिली। क्या बोलेंगे? कार्बन फैमिली। अब ऑप्शन चेक करो, कहीं तुम्हें कार्बन फैमिली दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये पूरा लाइन उठा लो, यही तुम्हारा क्या बन गया? आंसर बन गया। तो कैसे आप सेलेक्ट किए? आपने ग्रुप नंबर निकाला। कैसे ग्रुप नंबर निकाला? लास्ट टू डिजिट के हेल्प से। अगर ग्रुप नंबर निकाला
ग्रुप 14, ग्रुप 14 का पहला मेंबर कार्बन, इसी कारण से कहा गया कार्बन फैमिली। चलिए कह रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी कि अगर कोई एलिमेंट 120 अगर कोई एलिमेंट हो तो वो अगर खोज किया जाए तो वो कौन से ग्रुप में आएगा, क्या हमारा पीरियड टेबल अभी कहाँ तक वैलिड है, तो बोलेंगे कि 118 तक है। कहाँ तक एटॉमिक नंबर अभी तक खोज किया गया है या अरेंज किया गया है, जेड इक्वल टू 118 तक। ये कहाँ मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, यानी मॉडर्न पीरियड टेबल में एलिमेंट्स को जो रखा गया है वो कहाँ तक रखा गया है, 118 तक रखा गया है। 118 तक अगर रखा गया है तो 119 और 120 आपके पास दो एलिमेंट आएंगे, तो सुनो अच्छे से बच्चे अच्छे, अगर कोई एलिमेंट की शुरुआत होती है तो वो होती है ग्रुप 1 से और एंड होता है ग्रुप 18 पर। तो सोचो 118 के बाद अगर कोई नया एलिमेंट आएगा तो वो एलिमेंट कहाँ जाएगा, ग्रुप 1 में जाएगा, और 119 जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, ग्रुप 1 में, और 120 कहाँ जाएगा, ग्रुप 2 में। कि 118 के बाद 119 आएगा, और 119 अगर आएगा तो वो पहले कहाँ से शुरुआत होगी, कोई भी एलिमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है, ग्रुप 1 से शुरू होती है, ठीक है। तो ग्रुप 1 में एलिमेंट को रखेंगे। अगर नहीं किसी बच्चे को डाउट हो रहा है तो मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही दिखा देता हूँ। चलो जेड इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कितना लिखना है, 120। तैयार रहेंगे सब बच्चे, क्योंकि बहुत बड़ा एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5F14, 6D10, 7P6। अब काउंट करो यहाँ तक कितना इलेक्ट्रॉन आपने भरा है, पहले इसको काउंट करो, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 54, 56, 60, 10, 70, 80, 86, 88 और 4, 92, 102, 102 में 10 जोड़ा 112, और 112 में आपने 6 जोड़ा तो 118, यानी पूरा 118 तक का कॉन्फ़िगरेशन बन गया है। लेकिन आपका एटॉमिक नंबर तो 120 है, तो 7P हमारा कंप्लीट, तो हम 8 पीरियड में जाएंगे जो कि अभी तक बना नहीं है। अभी तक तो हम लोग पढ़ते हैं कहाँ तक, 7 पीरियड तक। इसका मतलब कि 7 पीरियड कंप्लीट है। अब नया जो पीरियड आएगा वो कहाँ से शुरुआत होगा बेटा, 8 पीरियड से, ठीक है। अगर कोई पीरियड नया शुरुआत होगा तो सबसे पहला सबसे क्या आएगा, एस ही आएगा, क्योंकि आप शुरू से भी देखते आ रहे हैं कि सबसे पहले पहला पीरियड में एस, फिर दूसरा पीरियड में एस, तीसरा पीरियड में भी एस, चौथा पीरियड में भी एस से शुरुआत किया गया, पाँचवा पीरियड में भी एस से ही शुरुआत किया गया, छठा पीरियड में भी एस से ही शुरुआत किया गया, और सातवें पीरियड में भी एस से ही शुरुआत किया गया। तो इसी कारण आठवां पीरियड में भी एस से शुरुआत किया जाएगा, और हम एस में इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे, 2, तो 118 दो 120। अगर एस में दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उन्हें कहा जाता है, लिखा है अभी जस्ट, अल्कलाइन अर्थ मेटल। एस में एक इलेक्ट्रॉन होते तो उसे बोलते हैं अल्कली मेटल, और एस में दो होंगे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आंसर इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये समझ में आया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा गया, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, NS2 है, और इसके पहले नोबल गैस भी है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और यहाँ रहेगा नोबल गैस, अगर NS1 रहा तो इसे अल्कली मेटल कहेंगे, तो यहाँ NS2 होने के कारण इसे कहा गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आया है नॉमिक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। देखो यहाँ पे मैंने एक टॉपिक का नॉमिक्लेचर किया गया है, कहाँ से, अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हो,
100 से ऊपर हो। देखो ऐसा क्यों किया गया वो पढ़ो। द नेमिंग ऑफ द न्यू एलिमेंट्स वॉज गिवेन ट्रेडिशनली ऑन द नेम ऑफ इट डिस्कवर एंड द सजेस्टेड नेम वॉज रेटिफाइड बाई द IPCC। यानी जो एलिमेंट का खोज हुआ वो किसी ना किसी डिस्कवर यानी किसी या किसी ना किसी प्लेस या किसी ना किसी डिस्कवर के द्वारा किया गया था और उसी के को हमने किस रूप में रेटिफाइड किया, IPCC नॉमेनक्लेचर के द्वारा रेटिफाइड की है। इन द रिसेंट ईयर दिस हैज़ द लीड टू सम कंट्रोवर्सीज। क्या कंट्रोवर्सी आया वो समझते हैं। अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट, दो तरह के साइंटिस्ट को एग्जाम्पल में यहाँ पे लिया गया है। ऐसे साइंटिस्ट तो बहुत और भी थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम रखे एक ही एलिमेंट का, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दो साइंटिस्ट को लिया गया है, एक अमेरिकन और दूसरा सोवियत। उन्होंने क्या बोला, किसके बारे में नाम किया गया, डिस्कवर किया गया 104। सर सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सर 104 को ही क्यों लिया गया? तो बेटा 90 से लेकर 103 तो फिक्स था, उसे एक फैमिली मिल गई थी, परिवार मिला था, दैट इज कॉल्ड एक्टिनॉइड। तो 103 था तो कोई मामला डेवलप नहीं हुआ, 104 आया, ठीक है। तो द अमेरिकन साइंटिस्ट नेम्ड इट रदरफोर्डियम एंड सोवियत साइंटिस्ट नेम्ड इट कुरचेटोवियम। तो इस तरह के प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन करने के लिए IPCC नॉमेनक्लेचर को यहाँ पे लाया गया था, IPCC नॉमेनक्लेचर को यहाँ पे प्रपोज्ड किया गया था। चलो तो ये कुछ प्रीफिक्स है जो आपको याद ही रखना पड़ेगा, जैसे 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, सुनो अच्छे से, ये 4 वाला प्रीफिक्स को थोड़ा सा ध्यान रखो। 4 वाला के लिए क्या प्रीफिक्स यूज किया गया बेटा, क्वाड। और फिर उसकी बार 7 में चले जाओ, और फिर 9 में चले जाना, ठीक है। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए बाई, तो मोनो के लिए हम लोग यूज किए अन यूज किया, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं बेटा, टेट्रा। तो अगर हम टेट्रा प्रीफिक्स यूज करते, बाय द वे अगर हम टेट्रा प्रीफिक्स यूज करते तो टेट्रा दो बार आ गया, यानी टी जो सिंबल टी है, अगर हम सपोज करो यहाँ पे क्वाड ना लिखे, यहाँ पे क्या लिखते, टेट्रा लिखते, तो यहाँ पे सिंबल बनता टी। अब टी सिंबल जो है वो दो जगह हो गया या दो जगह आ जाता, तो इसी कारण एक क्योंकि IPCC नेमिंग्लेचर करना है, सिंबल लिखना है, टू टी। अब UUT तो लिख दिया नाम, पूरा सिंबल लिख दिया UUT। अब UUT जो है वो क्या अर्थ रख रहा है, सुनो अच्छे से, U4 अन, फिर U4 अन, T4 क्या अर्थ रख रहा है, T4 ट्राई कि T4 टेट्रा, कन्फ्यूजन है। तो इसी कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन करने के लिए क्या किया गया, 4 के लिए वर्ड यूज किया गया क्वाड, इसी कारण यहाँ से इस टेट्रा वाले वर्ड को इरेज कर दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आया, 5 के लिए पेंट, हाँ है, 6 के लिए हेक्स, हाँ है, 7 के लिए फिर वही बात दोहराया गया, हेप्ट ना करके वहां पे लाया गया सेप्ट, क्योंकि सिंबल क्या होता है, यहां भी सेम बन जाता। 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नॉन, तो नॉन ना रखे यहां पे भी इन लगा गया, क्योंकि एन यहां पे दो बार आता, एक पहले नील में था और एक यहां आ जाता, इसी कारण तीन जगह प्रीफिक्स को चेंज किया गया, एक क्वाड में, एक क्वाड में, एक सेफ्ट में और एक इन में। इस तरह से हम सिंबल लिख सकते हैं, सिंबल कैसे लिखेंगे तो उसका IPCC नेम कैसे लिखेंगे वो देखो। तो IPCC नेम लिखने का तरीका क्या है बेटा, देखो इधर यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या लिखा हुआ है, देखो इधर, अगर मेरे पास कोई नाम है जैसे यहाँ पर जेड लिखा गया है 109, तो कैसे लिखा गया है वो देखो। एक को क्या पढ़ेंगे बेटा, पीछे जाइए, एक को क्या पढ़ेंगे अन, ठीक है, और 0 को क्या पढ़ेंगे नील, तो एक को पढ़ेंगे अन, तो अन लिख दिया गया, नील लिख दिया गया, 9 को इन लिख दिया गया, और सबके लास्ट में क्या लगा देना है, IUM लगा देना है। तो पूरा नाम क्या बन गया बेटा, पूरा नाम को यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो तो बन गया क्या, अनिल इनियम। अनिल इनियम अगर हमारा लिखा गया है तो सिंबल क्या बना, तो सिंबल सबका फर्स्ट लेटर U, इसका फर्स्ट लेटर N, इसका फर्स्ट लेटर E,
सिंबल क्या बना बेटा, यू एन ई। एक आईपीसी ऑफिशियल नेम है जो आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा गया है आईपीसी ऑफिशियल नेम क्या है इसरो के लिए, मिटनेरियम और उसका सिंबल। ये नीट वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैथ द कॉलम से बेस्ट एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो थोड़ा सा आप लोग सजग रहें, इन्हें आईपीसी ऑफिशियल नेम को भी आप लोग याद कर लेंगे। तो ये पूरा नेम आप याद रखेंगे, अनिल अनियम, इसका आईपीसी ऑफिशियल नेम क्या है, मेंडेलियम, अनिल बायम, नोबिलियम। जैसे हम सपोज करो एक आपसे एग्जांपल ले रहा हूँ, पूछ रहा हूँ यू यू एस लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर बताइए क्या होगा इसका एटॉमिक नंबर। अगर आपके पास लिखा हुआ है यू यू एस, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा, सुनो अच्छे से। तो यू यू एस, यू फोर पीछे जाइए, यू फोर वन, फिर यू फोर वन, और एस किसके लिए यूज किया गया है, सात के लिए। तो यू यू एस क्या हो जाएगा, वन वन सेवन। अब इसका ग्रुप नंबर आपको पता है क्या होगा, 17। पीरियड नंबर क्या होगा बेटा, 7। अगर 17 में होगा तो इसका ब्लॉक कैसे निकालेंगे, तो ब्लॉक निकालने का तरीका आगे पढ़ेंगे कि अगर हमें एटॉमिक नंबर मालूम हो तो चेक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन वाइज, हम जब पढ़ेंगे अभी आगे तो आपको बताएंगे कि करता बेटा 13 से लेके 18 तक लाई करता है। तो ये 13 से 18 के बीच में है, इसी कारण इसका ब्लॉक कौन सा होगा, पी ब्लॉक होगा, वो आगे पढ़ेंगे। चलो तो मेरे ख्याल से ग्रुप नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्रुप नंबर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं आराम से कि इसका ग्रुप नंबर क्या आएगा बेटा, 17 आएगा। चलो तो ये इसी पे एक छोटा सा बेस्ट क्वेश्चन है, जो देखो बेटा आईपीसी ऑफिशियल नेम देखो, अनिल अनियम, अनिल अनियम, अनिल अनियम। एक बार स्लाइड पीछे कर रहे हैं आप लोग, उसको चेक कर लो, देखो इधर अनिल अनियम मेंडेलियम, अनिल देखो इधर, मैं इसकी चीज को उधर कहीं कर देता हूं, अनिल ट्रायम अनिल, ये चार नाम है, अनिल अनियम, अनिल ट्रायम, अनिल हेक्सियम और अन अनियम। अब आइए पीछे जाइए, अनिल अनियम दिख रहा है आपको, अनिल ट्रायम, अनिल हेक्सियम, एक मिनट में इरेज कर, और एक था अन अन अनियम, अन अन अनियम, अन अन अनियम, अन अन अनियम, अन अन अनियम। देखिए प्रीवियस में क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है बेटा, क्या लिखा हुआ, अन 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 नियम, अन 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 यानी 111, एक एक एक। चलो तो 111 देखो इधर कहीं दिख रहा है आपको, अन 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 देखो यहाँ पे अन अन अन, कितना बार अन आया बेटा, तीन बार आया। तो इसका क्या लिखा हुआ है, रोइंट गेनियम, ठीक है। और अगर यही चीज अगर अन अन निलियम होता तो यहाँ पे नाम क्या होता, डार्म स्टैटियम, ठीक है। और अन निल हेक्सियम होगा तो क्या नाम होगा बेटा, सी बॉर्जियम, और अन निल ट्रायम होगा तो क्या होगा, लॉरेंसियम। चलो मैच करो, देखो इधर आइए, अन निल अनियम मेंडेलियम, अनिल ट्रायम लॉरेंसियम, अनिल हेक्सियम सीबॉर्जियम। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा अन अन, क्योंकि ये हो गया आपका 110, तो यहाँ पे हो जाएगा अन अन निलियम होगा, अन अन निलियम, ठीक है। तो आंसर इज वन का वन, बी का टू, सी का थ्री, डी का फोर। इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है, इनकरेक्ट मैच। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ कुछ अधूरा है, तो उसको अगले क्लास में इस चीज़ को हम लोग आपके सामने पूरा रखेंगे। क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। तो आज की इस पूरे क्लास में हम लोग ने क्या अभी तक पढ़ा, हम लोग ने पढ़ा कि पीरियड टेबल क्या होता है,
पीरियड टेबल कैसे पता करेंगे, नॉमिनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता करेंगे, यानी एलिमेंट का नॉमिनक्लेचर कैसे लिखेंगे, इन सभी चीज़ को मैंने आज के क्लास में आप लोगों को बताया। तो आप लोगों का काम है कि इस पूरे सेशन को अच्छे से सुनना, समझना, और जो बताया गया है उस पर आप भी घर पर जाके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, बाय।